मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही, जल्दी घर चलो। तुम्हारी भूख तो उस टर के बुड्ढे को देख के बिल्कुल उड़ जाएगी। यार वो ठरकी बुड्ढा, ओह नो, ये फिर आ गया। इसकी तो कितना बेशरम है, ये रोज रोज का क्या तमाशा बना रखा है इसने। चलो मैं तो जा रही हूँ, मैं देखती हूँ आज इसको। कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हम, डरते नहीं है इससे। और नहीं तो क्या, देखा यहाँ खड़ा होना अच्छी बात नहीं, गाड़ी में चल कर बैठो। तुमने पूछे कहा था कि वक्त पे आया करो, देखो मैं वक्त पे आ गया हूँ बिल्कुल। चलो और गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है आपकी अंकल, हरकतें देखे अपनी। अरे मेरी बात तो सुनो, लोग शर्म से डूब मरे। अरे अरे क्या हो गया इसको, देखो मैंने उससे भी कहा, आपसे भी कहता हूँ, यहाँ इस तरह अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है। मेरी गाड़ी मौजूद है, अच्छी बड़ी सी गाड़ी है, उसमें बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर। तुमने मुझे कहा था ना कि हीरो बन के दिखावा, तो ये देखो हीरो, हीरो लगता हूँ कि नहीं लगता। और घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अपनी उम्र देखिए, आप दादा की उम्र के हैं, आप देखो बात ये है कि तुमने मुझसे कल कहा था कि गाड़ी ठीक होनी चाहिए, गाड़ी एकदम फिट है, नीट क्लीन, सारी रात मैंने लगाया, बहुत बड़ी गाड़ी गाड़ी। अरे मेरी बात सुनो, देखो एसी चल रहा है, ठंडा ठंडा बाल क्यों उड़ेंगे, क्यों उड़े। अरे चलो ना, अरे क्या, हाथ ही लगा, हाथ ही लगा, सुनो तो सही, रुको इनकी पिक्चर लेते हैं, फोटो ले, ये लो, चलो मैं छोड़ूंगा गाड़ी, बैठो बैठो बैठो। अरे सुनो, एक मिनट, सेफ साइड के लिए एक और बुकिंग करेंगे। अरे चलो क्या, प्रिंसिपल साहिबा आपके कॉलेज के सामने ये सब कुछ हो रहा है और आप लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आपका कॉलेज तो बहुत ही इनसिक्योर है, हम अपनी बच्चियों को यहाँ कैसे भेजें? कोई भी तंग करने चला आता है। देखिए प्लीज आप लोग तसल्ली रखें, हमारी इंतजामिया को इस वाकये की इतला दे दी गई है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दें। तो फिर अब तक आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप लोगों से कुछ नहीं होगा, आप हमें बताएं, हम खुद निमट लेंगे। हमारी एक स्टूडेंट ने उनकी गाड़ी की पिक्चर भी हमें दी है, पुलिस उस गाड़ी को और उस गाड़ी के मालिक का एड्रेस लोकेट कर रही है। कौन है भाई, हमें भी तो बताएं, उस बास्टर्ड की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, इन लोगों की अपनी औलादे नहीं है क्या? ठहरिए ठहरिए, आप में से कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, आराम से इत्मीनान से हमारी बात सुन लें। प्लीज आप लोग एक लम्हे के लिए एसएचओ साहब की बात को सुने। लड़कियों के बयान से साबित होता है कि वो शख्स 70 साल से भी ज्यादा का है, इस उम्र में भी लोग ऐसे काम पता नहीं कैसे कर लेते हैं। ऐसे लोग है कि इलाज है कि उनके घर जाकर उनकी फैमिली के सामने उनकी कंप्लेन की जाए, ताकि वो इन लोगों को घर में बंद रख सकें और उनका अच्छी तरह से इलाज करा सकें। मुझे तो ये शख्स कोई पागल लगता है, इस तरह आपका और इस कॉलेज का सारा मसला हल हो जाएगा। तो फिर इंतजार किस बात का है, अभी चले? जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ सिर्फ प्रिंसिपल साहब और मैं बात करेंगे, आप में से कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छी बात है, उस कमबख्त के अपने पोते पोतियां भी होंगे, उसकी अच्छी तरह से बेइज्जती होगी तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आइए आइए आपसे।
यही है, यही है बुड्ढा। कमबख्त, अपनी उम्र का तो ख्याल करता, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तुझ में इतनी हिम्मत कि हमारी बच्चियों को तंग करे, हालत देखिए अपनी। क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो इन्हें? प्लीज आप सब खामोश हो जाएं, मुझे और प्रिंसिपल साहब को बात करने दें प्लीज। यशवाक है जी, और तुम? मैं इनकी बीवी हूँ। खातून आपको कुछ अंदाजा है कि आपका शौहर क्या करता फिर रहा है? ये रोज अपनी गाड़ी लेके कॉलेज पहुँच जाता है और बच्चों को लिफ्ट देने का ऑफर करता है। किस अजियत से गुजर रहे हैं ये लोग, कुछ अंदाजा है आपको? जी 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 का क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा शौहर क्या हरकतें करता फिर रहा है? अरे किस किस्म के लोग हैं, मारो इनको तो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाना चाहिए। अरे कुछ बको तो, हमारी बच्चियों का जीना हराम करके रखा हुआ है, अब बोलते क्यों नहीं हो? अरे कुछ बोलने क्यों नहीं हो? बोलने ना, क्यों नहीं बोलेंगे? प्लीज आप लोग अंदर आ जाएं, बैठ के बात करते हैं। देखिए मोहल्ले में तमाशा मत करें, अंदर आ जाएं प्लीज। चले श्वार आइए। कुछ तो बोलो, आखिर कब हमारी जान छुटेगी तुम्हारे शौहर की इन घटिया हरकतों से? ये तस्वीर किस बच्ची की है? जी वो हमारी बेटी नासिया। ओहो, ये बेटी वाले होकर इनकी ये हरकतें, बड़े कोई बेगैरत है। तौबा तौबा। इश्वाक की रात की ड्यूटी होती थी, दिन के 12 तो समझो इनके लिए आधी रात के बराबर। जब नासिया को कॉलेज लेने जाते तो अक्सर लेट हो जाते, बहुत नाराज होती थी वो, कहती थी बाबा हमने फिर देर कर दी। गाड़ी में चलकर बैठो, तुमने मुझसे कहा था कि वक्त पे आया करो, देखो मैं वक्त पे आ गया बिल्कुल। चलो और गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ देता। अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है आपकी अंकल, हरकतें देखे अपनी। अरे मेरी बात तो सुनो ना, शर्म से डूब मरे। अरे आप तैयार भी नहीं होकर आए, तुमने मुझे कहा था ना कि हीरो बन के दिखाना, तो ये देखो हीरो हीरो लगता हूँ कि नहीं लगता है? बाबा गाड़ी में एसी लगवा ले, मुझे बहुत गर्मी लगती। तुमने मुझसे कल कहा था कि गाड़ी ठीक होनी चाहिए, गाड़ी एकदम फिट है, नीट क्लीन, एसी चल रहा है ठंडा ठंडा, बाल यूं यूं उड़ेंगे। देखिए आपको भी पसीने आ रहे हैं। एक दिन जब ये नाजिया को कॉलेज लेने गए तो हस्बैंड मामू लेट हो गए, वो वहां नहीं मिली। आज तक हमारी बेटी घर वापस नहीं आई। बहुत ढूंढा लेकिन आज तक कोई पता न चला। बस उसी दिन से इनकी ये कोशिश होती है कि कॉलेज से हर लड़की खैरियत से अपने घर पहुंच जाए। रोज किसी न किसी कॉलेज के सामने अपनी बेटी को तलाश करती है। I'm sorry. Allah Hafiz.